अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, मैं दोबारा आपकी खिदमत आलिया में हाज़िर होने का शुक्र हासिल करूँ। आज के हमारे इस प्रोग्राम का उनवान है कि इज़्ज़त और तवंगरी के लिए तावीज़। लेकिन इससे पहले किस अमल के बारे में आपकी खिदमत आलिया में कुछ अर्ज़ गुज़ारिश करता हूँ कि मोहतरम नाज़रीन याद रखें, हमारे जितने भी अमल होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ मकसद के लिए होते हैं, नाजायज़ कामों के लिए, गलत कामों के लिए, हराम कामों के लिए हमारी तरफ से किसी को भी किसी तरीके की कोई इजाज़त नहीं है। याद रखें, हमारा सेंटर रूहानी सेंटर अमटोना जादू सिपली ब्लैक मैजिक शैतानी और गंदी हरकतों के ज़रिए से कोई भी अमल अंजाम नहीं देते। मोहतरम नाजिर, अगर आप आमिर बनना चाहते हैं, अमल की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं, तो अमल से आशनाई पैदा करने की हमारी क्लासेज ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी आप शिरकत फरमा करके फ़ायदा उठा सकते हैं। मोहतरम नाजिरन, आज का जो अमल है वो इज़्ज़त और तवंगरी की तावीज़ है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इज़्ज़त में इजाफ़ा हो, आपकी तवंगरी, आपकी मालदारी और आपकी दौलत में इजाफ़ा हो, तो आप इस तावीज़ मुबारक को बनाएं और बनाने के बाद अपने पास रखें। बनाने का सबसे आसान तरीका यह है कि किसी भी वक्त जो है ईशा की नमाज़ या मगरिब की नमाज़ के बाद जो अपना हिसार कर ले, और हिसार करने के बाद जो है इस तावीज़ को लिखें। लिखने का आगाज़ करेंगे, पहले लिखेंगे मीम, फिर उसके बाद 40, फिर लाम, फिर उसके बाद 30। इसी तरीके से आप आगे बढ़ जाए, फिर उसके बाद इस तावीज़ को जब मुकम्मल कर लें तो ज़रा सा इस पर अत्र लगाएं, मोम जामा करें और फिर उसको गले में या बाजू पे बांध दें। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा जिक्र हो जिसकी वजह से आपकी इज़्ज़त और आपकी तवंगरी में इजाफ़ा हो, तो अल जलीलो अल्लाह पाक का एक नाम है, अल जलीलो, उसका विर्द करें किसी भी वक्त किसी भी टाइम जो एक तस्बीह दो तस्बीह, तो इंशाल्लाह उसके असरात आपके ऊपर ज़ाहिर होंगे, इज़्ज़त में इजाफ़ा होगा, तवंगरी में इजाफ़ा होगा, मालदारी में इजाफ़ा होगा और आपकी शोहरत में और आपकी मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफ़ा होता चला जाएगा। ये बहुत मुजर्रब अमल है, इसका इस्तेमाल करें। तावीज़ भी आपकी खिदमत में है और अमल भी और ज़िक्र भी आपकी खिदमत में है, दोनों में से आप जो चाहे वो आप इस्तेमाल कर लें, सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ मकसद के लिए, नाजायज़ कामों के लिए हमारी तरफ से किसी को ऐसा नहीं है कि आप वो पढ़ रहे हैं तो इज़्ज़त में इजाफ़ा हो जाए ताकि दूसरों को नीचा दिखाएं, दूसरों के दबाने की कोशिश करें, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। इज़्ज़त देने वाला अल्लाह है और वो जलील करने वाला भी अल्लाह है, याद रखें। और लेकिन इसके असरात होते हैं, अगर आप इस जिक्र का विर्द करेंगे तो इंशाल्लाह इसके असरात ज़ाहिर होंगे और आपकी इज़्ज़त में, आपकी तवंगरी में इजाफा होगा। दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, दोनों चाहे तो दोनों कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगे तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपकी खिदमत आलिया पहुँचती रहे। फिर मिलते हैं दूसरे नशस्त में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।